नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यदि मैं कोई गुड्स परचेज करता हूं किसी ऐसे सेलर से जिसकी मल्टीपल यूनिट्स हैं, यानी उसकी अलग अलग कई ब्रांचेज हैं और मैं अलग अलग ब्रांचेज से माल को खरीदता हूं, तो क्या उस केस में मुझे 194Q के अंतर्गत TDS काटना होगा। दोस्तों हमने TDS के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोज बनाई हुई हैं, आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने अलग अलग प्रोविजंस के बारे में, अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया। जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं कि यदि मैं किसी ऐसे सेलर से गुड्स को परचेज करता हूं जिसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, सपोज अलग अलग स्टेट्स के अंदर उसकी ब्रांचेज हैं, वो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, वो मध्य प्रदेश में है या दिल्ली में है, मैं कभी किसी यूनिट से मैं माल मंगा लेता हूँ, कभी किसी यूनिट से मैं माल मंगा लेता हूँ, तो क्या मुझे उस केस में जब मुझे लिमिट देखनी है 50 लाख की जो लिमिट है परचेज ऑफ गुड्स की, क्या उस केस में मुझे एक ब्रांच वाइज लिमिट को कैलकुलेट करना है या एग्रीगेट करके टोटल लेना है। तो दोस्तों यदि हम इनकम टैक्स के प्रोविजन की बात करें, 194Q की बात करें, तो वो क्लियरली कहता है कि इफ यू हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम ए सेलर, ए सेलर का मतलब होता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यक्ति जिसका एक पैन नंबर है, वो पूरा के पूरा एक व्यक्ति माना जाता है, एक पर्सन माना जाता है। अब यदि किसी कंपनी का, किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का, किसी पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ब्रांचेज हैं, लेकिन होगा क्या कि उनका पैन नंबर एक होगा, वो सेम पैन नंबर पर अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड होंगी, जीएसटी नंबर अलग अलग होगा लेकिन वो सिंगल पैन के बेस पर होगा, यानी कि पैन नंबर एक होगा। तो अगर पैन नंबर एक है तो मतलब पर्सन एक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं गुड्स को परचेज करता हूं अलग अलग लोकेशन से लेकिन सप्लायर मेरा एक ही है, तो मुझे 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सबका टोटल कैलकुलेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैंने दिल्ली से 10 लाख का खरीदा और सपोज मैंने यूपी से मैंने 20 लाख का खरीदा, महाराष्ट्र से मैंने 50 लाख का खरीदा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सब महाराष्ट्र से मैंने 50 लाख का खरीदा है तो सिर्फ महाराष्ट्र वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर TDS लगेगा, दिल्ली और यूपी की ट्रांजेक्शन जो कि 10 लाख की है और 20 लाख की है उसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं हो रही 50 लाख की। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे टोटल 80 लाख रुपए के ऊपर TDS की कैलकुलेशन करनी होगी। दोस्तों इसी प्रकार सपोज आपने 5-6 उसके स्टेट्स हैं और हर जगह पे 5-5, 7-7 लाख की टोटल मिलाकर के यदि 50 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो 194Q की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात क्लियर हो गई होगी और जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे TDS की 194Q के अंदर, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आप एक सेलर से गुड्स को परचेज कर रहे हो तो चाहे उसकी डिफरेंट लोकेशन से माल आ रहा है, डिफरेंट ब्रांचेस से माल आ रहा है, आप 194Q की एग्जेम्पशन लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आप सभी का टोटल कैलकुलेट करोगे। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।